वो चले शहरों से गांव की ओर। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want... एक तो कड़वे करेले होते हैं और ये वाले करेले हैं मीठे करेले। और ओ ऊपर ऊपर देखिए आप, ओ ऊपर यहाँ से नहीं दिख रहा है, उधर तोरियाँ भी लग रही है, बहुत सारी सब्जियाँ लग रही है दोस्तों। हमारे उत्तराखंड में तो सब सब्जी बंदरी के लिए, बंदर के लायक हो जाती है, सब सब्जियाँ बंदर खा लेते हैं। चलो दोस्तों घर की ओर ले चलते हैं सब करेलों को। ओ देखो दोस्तों, ओ उधर देखो तोरी भी लग रही है, बहुत सारी लग रही है। ओ एक इधर भी देखो और बहुत सारी है। अभी जो है दोस्तों मैं कर रही हूँ इसको काटने की तैयारी। ये देखिए इतने मैंने छिल दिए हैं, इस तरह से छिलना पड़ता है दोस्तों। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसे इन्हें छिला जाता है। ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे ऐसे करके इसके अंदर जो है ये बीज रहते हैं, तो इन बीजों को जो है निकालना होता है इस तरह से। अभी ये वाले कच्चे बीज है तो जो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं वो पक जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने कितने सारे बीज रखे हैं जो दोस्तों ये वाले बीज है ना, ये ब्लैक ब्लैक ये पके हुए बीज है, ये जो है इसे उगाने के काम भी आते हैं। ये देखिए इस तरह से तोड़ तोड़ के जो है हम इसकी रख देंगे यहाँ पर, उसके बाद बनाएंगे सब्जी। आजकल जो है दोस्तों पता नहीं चल रहा है मुझे क्या हो रहा है, मैं बोलने में जो है बहुत हड़बड़ा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन बोलने में बहुत हड़बड़ाहट हो रही है मुझे। ये देखिए ये हमारा ऐसे टेम्परेली किचन है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है हमारे घर काम चल रहा है, तो फिर तब तक जो है हमने किचन यहाँ पे शिफ्ट कर रखा है। ये देखिए पीछे से पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं यहाँ पे प्लाई का काम होना है, तो इस वजह से जो है अभी ऐसे ही छोड़ रखा है इसे, क्योंकि शेटरिंग होगी पहले, उसके बाद प्लाई का काम होगा यहाँ पे, तो अभी फिलहाल यहाँ कर रखा है, क्योंकि जो हमारा किचन है वो अभी रेडी हो रहा है। तो फिर अभी सब्जी काट लेते हैं, तो उसके बाद मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। और हाँ दोस्तों इस कढ़ाई को लेके बहुत सारे लोग सोचते होंगे, ये कढ़ाई जो है दोस्तों बहुत पुरानी है। देखिए बाहर से जो है पहले चूल्हे पे बनाते होंगे खाना हमारे पूर्वज, तो इस वजह से जो है ये काली काली हो रखी है, लेकिन ये छूटती भी नहीं है दोस्तों। लेकिन इस कढ़ाई में जो स्वाद है वो दूसरी कढ़ाई में नहीं है, इसलिए हम जो है इसी कढ़ाई में खाना बनाते हैं दोस्तों।
मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम ये कढ़ाई क्यों यूज़ करती हो, मैंने कहा इसमें जो है स्वाद अच्छा आता है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो जो है बहुत अच्छी रहती है। इसे बंद कर देते हैं और पकने देते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट। दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ चटनी। तो चटनी के लिए मैंने जो है टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है और ये लिया है प्याज। अब हम जो है मस्त अपनी चटनी बनाएंगे, उसके बाद करेंगे नाश्ता। तो फटाफट से मैं मिक्सी में ही चटनी बनाऊंगी। ये देखिए अब इसमें जो है काट काट के हम डाल देते हैं, तो फिर चटनी बनाते हैं। ये देख लो दोस्तों चमगादड़। और सुनिए गई। और दोस्तों ये हूँ मैं, मेरी हालत जो है 32 बजे हुए हालत पर हमारी। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।